गुड इवनिंग क्लास नाइन्थ। तो हम लोग कौन सा लेसन पे चल रहे हैं? सेल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में। ठीक है, हम लोग माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो देखो, सेल डिविजन्स हम ना आज डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को कि सेल डिविजन को, सेल डिवीजन, सेल्स कैसे डिवाइड होता है। तो कोई न्यू सेल्स फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म में इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजोर्ड सेल। देखो, कोई पुराना सेल है तो क्या उसका रहना अच्छा है? कोई मान लो इंजोर्ड है, वो टूट फूट गया है, वो सेल तो नहीं रहना चाहिए ना। तो न्यू सेल्स का क्या होता है? न्यू सेल्स का क्या होना चाहिए? हमेशा न्यू सेल का क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, ठीक है, डेड एंड इंजोर्ड सेल्स। नया सेल्स बनना चाहिए आपका, क्यों बनना चाहिए? तो इन सब चीजों की वजह से बनना चाहिए। वाई का आंसर ये हुआ, इन सब चीजों की वजह से नया सेल्स क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो तो ये एक अलग प्रोसेस से होगा। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन आप लोगों को क्लास टेंथ में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, पर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने ही तरह के जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा लेते हैं तो ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो जो फॉर्मेशन होता है न्यू सेल्स का, वो भी किस वजह से होता है? तो सेल डिविजन की वजह से ही रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, तो गैमेट्स जो फॉर्म होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? जो गैमेट्स हुए, फॉर्म हुए, वो भी रिप्रोडक्शन के वजह से। जो गैमेट्स बने तो वहां भी क्या होगा, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? तो सेल डिवीजन वहां भी इन्वॉल्व होगा। तो दो अलग अलग तरीके से सेल डिवीजन होता है, एक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। तो हम लोग अब माइटोसिस किसको कहेंगे? ठीक है, ये कैसा है? प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है। क्या है प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन? इसके द्वारा क्या होता है? बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड माइटोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन मतलब क्या हो गया? एक सेल से दो सेल। इसके द्वारा मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स फॉर ग्रोथ, जो सेल का जो ग्रोथ होगा वो किस प्रोसेस से होगा? माइटोसिस से। डिवीजन होगा, एक सेल से दो बना, दो से चार बना, कौन सा प्रोसेस हो गया? माइटोसिस। तो ये ग्रोथ वाला पोर्शन जो होगा वो किस में आएगा? माइटोसिस में आएगा। ठीक है, अब है कि माइटोसिस क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो मदर सेल्स होते हैं वो डिवाइड्स होते हैं और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, लोग यहां लिखते हैं, जो मदर सेल हुआ वो डिवाइड्स होगा और क्या बनेगा? डॉटर सेल। यहां भी क्या बनेगा? डॉटर सेल बनेगा। मान लो एक सेल है मदर सेल, वो डिवाइड होके यहां भी एक डॉटर सेल और यहां भी एक डॉटर सेल बनेगा और आइडेंटिकल रहेगा। कैसा बनेगा? ये दोनों आइडेंटिकल, एक जैसा। ठीक है, डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होंगे वो जितना मदर सेल में होगा उतना ही होगा। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो जितना मदर सेल में है, मदर सेल में है, सेम किस में होगा? डॉटर सेल में। ठीक है, जितना मदर सेल में क्रोमोसोम्स होगा उतना ही ये दोनों डॉटर सेल में भी होगा। अगर मान लो, हम आगे पढ़ाएंगे मियोसिस में बताएंगे, मान लो 46 यहां होता है तो मदर सेल्स में 46 है, तो डॉटर में भी, इसमें भी क्या होगा? 46 और इसमें भी 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल का जो ग्रोथ होता है उसमें इसी प्रोसेस से चलता है। और इसका यूज क्या हो गया? तो माइटोसिस का क्या यूज हो गया? तुमको हम बोले हैं कि माइटोसिस का, हम पहले भी बोले हैं कि क्या यूज है, ग्रोथ एंड रिपेयर में।
किसका रिपेयर? टिश्यू का, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ, फिर से लिख दे टिश्यू। तो टिश्यू का जो ग्रोथ एंड रिपेयर होता है उसमें किसका यूज होता है? माइटोसिस का यूज होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि माइटोसिस एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसमें कि सेल डिवाइड्स होते हैं, ग्रोथ होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस और एक को क्या बोलते हैं? मियोसिस। सेल डिवीजन होता है, न्यू फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है? इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजोर्ड सेल को हटाने के लिए, ग्रो करने के लिए, पुराने सेल को हटाने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं माइटोसिस की, तो रिपेयर ऑफ टिश्यू होगा, मदर सेल्स है, डॉटर सेल्स है, तो मदर सेल्स टूटता है दो आइडेंटिकल में, डॉटर सेल दोनों को बोलते हैं, क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया माइटोसिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में, थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन हल्का बताएंगे। मैंने पहले ही बोला है कि रिप्रोडक्शन आपको 10 में पढ़ना अभी नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम बता देंगे, इंट्रो कर देंगे, और फिर मियोसिस प्रोसेस को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो बस यहां ये याद रखना है कि मदर सेल्स दो भाग में टूटा और दोनों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना मदर का है उतना है, इसको भी इतना भी, इसको भी। एग्जांपल अगर इसको 46 होगा तो यहां भी 46, यहां भी 46, ठीक है। तो फिर क्या होता है? डिवीजन होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।